इंटरफेस छोड़ के हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से था क्वेश्चन? नहीं था, क्लियर ना? पक्का? तो दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि हो सकता है एकाध को होगा, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 10 के 10 ही था करंट अफेयर्स की, इससे ज्यादा था, 10 ही था। वेरी गुड। और अगर हम बात करें हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इससे क्वेश्चंस नहीं थे, यही बात है। यानी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है, यही बात है। कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, फिर किसी का एग्जाम है ना। हाँ, एकदम दोस्त मेरे, धीरे धीरे सांस लीजिए सर, धीरे धीरे सांस लेंगे, चला लेकिन दौड़ के आए हैं ना, इसलिए गड़बड़ा गया है। आ जाए इधर और देखो, बायो से 3 क्वेश्चन था, एक ग्लास पानी लाइए। बायो से 3 क्वेश्चन में वो एटीपी वाला क्वेश्चन था, वही माइटोकॉन्ड्रिया को मिलान करने वाला क्या क्वेश्चन दोस्त बता रहा था? अच्छा, पुंकेसर वगैरह से क्वेश्चन मिलाने वाला था, बीजांड और क्या था, वर्तिकाग्र था, ये मिलान करने वाला था, जो बहुत आसान था, यही बात है। एगो मस्तिष्क वाला क्वेश्चन था, एगो मस्तिष्क वाला क्वेश्चन था, मेरे उड़ा जूसर लेटर। चलो, बहुत बढ़िया बात, करंट अफेयर हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का सुपड़ा साफ था, हो सकता अगले सिटिंग में पूछे, लेकिन यहाँ पर 10 के 10 करंट अफेयर्स, वो भी करंट अफेयर 2024 के ही पूछे गए हैं उससे। अच्छा, कितना दोस्त मेरे, खेल वाला क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें कहाँ से था? एगो खेल से था, एगो महानिदेशक से था, रनिंग एथलीट वाला, खेलो इंडिया यूथ गेम से था, यूथ गेम से था। चलो और बताओ, यूथ गेम से था, ये कुछ चक्रवात से था, चक्रवात आया तो वही। हाँ, और ना वो नहीं, बताओ करंट अफेयर्स, और कोई करंट अफेयर्स जो आप लोगों को याद आ रहा हो, आराम से बी कंफर्टेबल। ये वो खेल से था, ये वो महानिदेशक से था, एथलीट से था, यूथ गेम से था, चक्रवात से था, यही था ना। दिल्ली में उच्च न्यायालय जो है, दिल्ली में उच्च न्यायालय 33% क्या था, दिल्ली उच्च न्यायालय में 33% महिला आरक्षण वकील में कब लागू हुआ था? 21-22-24 था, कब हुआ था ये लागू? अब देखो, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस हो गए? 3 ना। आ दोस्त मेरे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम फिजिक्स से अगर हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमको बता दो दोस्त मेरे कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन थे? फिजिक्स और केमिस्ट्री से 17 क्वेश्चन थे। हम हमेशा कहते थे दोस्त मेरे, फिजिक्स और केमिस्ट्री 80-90% रहेगा, लेकिन आगे की सिटिंग में हो सकता है कम जाते। हाँ, रुक, यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन था ये बता दे। एगो चुंबकीय प्रभाव से था, खाली टॉपिक बताओ, चुंबकीय प्रभाव से था, दर्पण से था, लेंस से भी था, चलो लेंस से नहीं था, और एफ बराबर एम ए का न्यूमेरिकल था, बराबर एम ए का न्यूमेरिकल था, और बता, गतिज ऊर्जा का भी क्वेश्चन था, स्थिति ऊर्जा का भी क्वेश्चन था, और बोल दोस्त, यांत्रिक ऊर्जा वाला भी था, ऑप्शन में था लेकिन। हाँ, और बताओ आगे, ये वो एफ बराबर GM1m2/r² का, हाँ ये था, ये वो बच्चे हैं जो अभी एग्जाम देके आए हैं, उत्तल दर्पण से क्वेश्चन था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा जाएगा तो कहां पर आकर मिलेगा, यही ना क्वेश्चन था। अच्छा, अभिसरित होगा कि अपसरित होगा, तो क्या होगा बताओ? अपसारित होगा। और बताओ, और क्या क्वेश्चन था ना, फिजिक्स बताओ, फिजिक्स। ये वो ऊष्मीय प्रभाव कौन सा है, कौन सा एग्जांपल में दिया था, टोस्टर और इस्त्री। अच्छा, ये सब किसका उदाहरण है, इस्त्री, हीटर, ये सब किसका उदाहरण, और बोलो, फिजिक्स
ये वो था दूसरे परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है? और बोलो, ये वो तारे टिमटिमाते हैं, ये वो तारे टिमटिमाते हैं, रुक रुक रुक, तारे टिमटिमाते हैं, कौन सा? अपरावर्तन की अपवर्तन, अपवर्तन, ये क्वेश्चन था। और बताओ, बताएं वही ना, हाँ हाँ, जो प्रतीत होता है वो अपवर्तन। अच्छा चला, केमिस्ट्री में चलते हैं, केमिस्ट्री में बताओ, HCl को जल से अभिक्रिया, और बैलेंसिंग था, एक मिनट रुक यार, बैलेंसिंग का इक्वेशन था, हाँ संतुलन दिया था, और बताओ, हाँ और बताओ, नेक्स्ट धातु प्लस ठंडा जल क्या साथ अभिक्रिया नहीं करता? और बताओ, और बताओ, केमिस्ट्री में और याद है? 69 सही है सर, आपकी वजह से, दोस्तों ने मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे मेहनत के कारण, तुम्हारे मेहनत के कारण। हाँ अच्छा, अरे एक बार वो हीरो फॉर्मूला मैथ में चलते हैं।